तू मेरा पर है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। उठती लहरों में टूटती मैया में, उठती लहरों में टूटती मैया में, तू ही है मेरा कप्तान, सब मेरे इस डर में तू ही है मेरा कप्तान, सब मेरे इस डर में। इस मस के नाम से मैं आपको बधाई देता हूँ। हम अभी कुछ वचन देखेंगे। ये वचन हम यीशु मसीह का वचन है। हम वचन देखेंगे, ये वचन हमको आशीर्वाद करेंगे। प्रकाशित वाक्य, उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अच्छे समय के, धन्यवाद करते हैं। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय हम देखने वाले हैं। वो वचन जानने के लिए कृपा कीजिए, हमारा आँख को खोल दीजिए, हृदय को खोल दीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 8वां वचन में ऐसा लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार इधर लिखा है। प्रकाशित वाक्य में तीसरा अध्याय 8वां वचन में, मैं तेरा कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरा सामने एक द्वार खोल रखा हूँ। परमेश्वर आपसे कहते हैं, आपके कामों को परमेश्वर जानता है। आप सोचे रहेंगे मेरे को कौन देखता है, मेरा क्या है और मेरे को कौन देखता है, लेकिन इधर पवित्र वचन में, प्रकाशित वाक्य में इधर लिखा है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। आपका काम क्या है परमेश्वर यीशु मसीह जानते हैं। आपका क्या कमी है, क्या भरपूरी है, क्या चाहिए, यीशु मसीह जानते हैं। इस समय में आपको भरोसा देने दिलाने के लिए वचन कहता हूँ, यीशु मसीह आपको कामों को जानते हैं। इतना ही नहीं है, उधर लिखा है देख, आपको बोलते हैं देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। परमेश्वर आपके सामने एक द्वार खोल कर रखे हैं। इसका मतलब ऐसे है, आपके सामने कोई बंद नहीं रहेंगे, कहीं आप जा नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आपके सामने द्वार खोल के रखे हैं। काम करेंगे तो भी आपको काम द्वार मिलेगा, काम सफलता मिलेगा। धंधा है तो भी वही है, आपका धंधा खुला रहेगा, आशीर्वाद रहेगा। और भी आप सेवा करते रहेंगे तो भी आपका सेवा खुला रहेगा। इधर पवित्र वचन कहते हैं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। परमेश्वर आपके सामने एक द्वार खोल कर रखे हैं। अब आज आ सकते हैं, जा सकते हैं, अपने काम धंधा कर सकते हैं। इस समय परमेश्वर आपको भरोसा देते हैं, भरोसा कीजिए यीशु मसीह को। और आगे हम देखेंगे, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रकाशित वाक्य में पवित्र आत्मा के द्वारा इधर वचन लिखे हुए हैं, वो द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता। आपके आने वाले धंधा का कमाई हो, यानी काम का जो पगार हो और भी शांति हो, उसको कोई बंद नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह कहते हैं कोई बंद नहीं कर सकता, क्यों तेरे सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया है। क्यों परमेश्वर आपके सामने द्वार खुला रखे हैं? आपको थोड़ी सामर्थ है, तो सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया है। सुनने वाला, आप यीशु मसीह के वचन को पालन किए तो पालन कीजिए, ये आशीर्वाद आपके लिए हैं। द्वार खोल कर रखेंगे, आपको सामर्थ कम है, यानी आप थोड़ा प्रार्थना करेंगे, थोड़ा विश्वास करते हैं, थोड़ा अच्छे काम करते हैं, तो इधर लिखा है वचन का पालन किया है और मेरे नाम को इनकार नहीं किया है। यीशु मसीह को आप इनकार नहीं किया करके इधर हम देखते हैं, जो कोई यीशु मसीह को इनकार नहीं करते हैं उनके सामने द्वार खुला है। वो भले कम सामर्थ वाला रहने दो, इधर लिखा है उनके सामने द्वार खुला है, आपके काम धंधा सफलता होएंगे, आपको शांति मिलेंगे,
और आपको जो चाहत है वो मिलेंगे। इधर कर पवित्र प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय आठवां वचन में लिखा है, और भी हम दसवां वचन को हम देखेंगे तो इधर लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। यीशु मसीह जिसके बारे में कहता है जो धीरज के वचन को थामा है, यीशु मसीह का वचन, कौन सा भी इंसान धीरज से रहेंगे तो उनको थोड़ा आगे काम करने के लिए उनको दिमाग काम करेगा। हमको धीरज नहीं रहेंगे तो हम कुछ भी कर बैठेंगे। हम पत्रिका में देखते हैं जिसको धीरज नहीं है, टेंशन आ जाता है, कमजोरी आ जाता है, एक पेपर में पढ़ा उसको धीरज नहीं है, अपने पत्नी को बीमारी आया कर वो पत्नी को मार ही डाला, क्योंकि उसको उसने धीरज थामा नहीं है। ये अपने देश में एक स्टेट में हुआ है, उसको पत्नी को एक बीमारी आ गया, बीमारी की वजह से उसने मार डाला और खुद भी खुदकुशी कर लिया। ये क्यों ऐसा हालत है, उसने धीरज को थामा नहीं है। तो इधर आपके बारे में परमेश्वर कहते हैं जो सुनते हैं यीशु मसीह के वचन को वो धीरज थामना जरूरी है। इधर लिखा है धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने लिए सारे संसार पर आने वाला है करके इधर लिखा है। अभी तो हम किस स्थिति में है, वो आ गया है। कौन सा स्थिति है, परमेश्वर हमको बचा रखेगा कर कहते हैं। आज कौन सा स्थिति होते आ रहे हैं, हमारा देश में बहुत सारे जन मर रहे हैं, बीमारी फैल रहा है, लेकिन इस समय में हम धीरज को थमा रहेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार। परमेश्वर के वचन के अनुसार कितना बल आपके पास है, उस बल में आप प्रार्थना करना जरूरी है, उपवास करना जरूरी है, परमेश्वर को विश्वास करना जरूरी है। ऐसे हम रहेंगे तो परमेश्वर आपसे कहते हैं उस समय में बचा रखूंगा पूरे पृथ्वी के, परमेश्वर आपको बचा रखेंगे। यीशु मसीह के वचन को थामा रहिए, उनको इनकार मत कीजिए। आपके सामने खुले द्वार है। और भी हम इधर आके देखेंगे 12 वचन में हम देखते हैं, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। पहला हम देखा परमेश्वर आपसे कहते हैं मैं तेरे कामों को जानता है, आपका काम क्या है यीशु मसीह जानते हैं। आपके काम अच्छे रहेंगे तो वो अच्छे परमेश्वर करेंगे, इसके लिए आपके काम में आप चौकसी रहिए क्या काम करते हैं, क्या धंधा करते हैं, क्योंकि वो यीशु मसीह जानते हैं। और हम दूसरा देखें, हम देखते हैं दूसरा, परमेश्वर आपको खुले द्वार रखा है, आपको जानते हैं परमेश्वर, आप उनको विश्वास करते हैं तो आपको खुले द्वार है। आपको कम सामर्थ्य रहेगा तो भी, आप कम प्रार्थना करते हैं, कम विश्वास करते हैं, फिर भी उसमें ही बना रहिए, परमेश्वर आपको उठाएंगे, आपको रक्षा करेंगे। और भी हम देखेंगे मेरे धीरज के वचन को थामा है, यीशु मसीह के धीरज के वचन को आप थाम के रखिए, गाय मत कीजिए। धीरज से हम काम लेंगे तो इधर वचन कहते हैं धीरज के वचन को जो थामते हैं उसको परमेश्वर बचा रखेंगे, रखूंगा, बचाएंगे परमेश्वर, आपको परमेश्वर बचाएंगे। यीशु मसीह के वचन को धीरज से आप थामा रखकर उसके अनुसार आप चलेंगे, उसके अनुसार धंधा करेंगे, उसके अनुसार आप काम करेंगे तो परमेश्वर आपको बचाएंगे। इस हालत कौन से भी बुरी हालत रहने दो, आप सिर्फ परमेश्वर के धीरज के वचन को आप विश्वास कीजिए। परमेश्वर आपके लिए खुले द्वार रखा है, आपके काम परमेश्वर के सामने है, काम को सही कीजिए, सही प्रकार का धंधा कीजिए, आपके सामने खुले द्वार है। उतना नहीं है, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। जो जय पाए, परमेश्वर के वचन के अनुसार जो चलते हैं, धंधा करते हैं और हर रोज उनके वचन से हम रहेंगे तो हम जय पाएंगे। कौन जय पाता है, अच्छा पढ़ने वाला, अच्छा स्पोर्ट्स में चलने वाला, अपने बदन को अच्छा का बलवंत बना के स्पोर्ट्स में जो खेलते हैं तो उसमें जो अच्छे तरह से प्रैक्टिस करते हैं तो वो जीतते हैं। और परीक्षा में जो बच्चे लोग अच्छा पढ़कर परीक्षा लिखेंगे तो वो
विजय पाते हैं, और जो अपने संसार में हम बीमारी से जीत कर, हम धंधा में अच्छा जीत कर, अपना परिवार के सही रास्ता में हम जाएंगे तो वो विजयी है। इधर लिखा है जो जय पाए उसे में जय पाना अवश्य है। इस संसार में हर रोज़ हमारा घर में बीमारी नहीं रहना चाहिए, हर रोज़ हमको कमजोरी नहीं रहना चाहिए, हर रोज़ हमको कमी नहीं रहना चाहिए। यही इधर वचन कहते हैं जो जय पाए, कमजोरी से जय पाना अवश्य है। अपने काम धंधे में, अपने जो कमाई में हम जय पाना अवश्य है, परीक्षा में हम जय पाना अवश्य है, अपने बच्चा, तो ये सब अपने परिवार में बच्चे जय पाते हैं, धंधे में हम जय पाते हैं, काम में हम जय पाते हैं, अच्छे काम जो हम करेंगे पूरे महीने, अभी तो लॉकडाउन है फिर भी घर में सब लोग काम करते हैं, उस काम में हम सही तरह से काम करेंगे तो हमको जय पाते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं जो जय पाता है, जो जय पाए उसे मैं, पहला परमेश्वर के वचन को जय पाना अवश्य है, सत्य में रहना अवश्य है, प्रार्थना करने में रहना अवश्य है, उपवास करना अवश्य है, ऐसे ही रहते समय में हम जय पाएंगे। इस स्थिति में हम जय पाना अवश्य है, हालत बुरी है, इस बुरी विषय में हम जय पाना अवश्य है, झूठ बोलना कुछ भी कर बैठना उसमें जय नहीं मिलेगा। पवित्र वचन में जो जय पाते हैं सच्चाई से चलने वाला, पवित्र वचन को धीरे थामना, जो पवित्र वचन के अनुसार धीरज से रहने वाला, पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर को नहीं इनकार करना, परमेश्वर को जो स्वीकार करते हैं वो जय पाते हैं। मेरे परमेश्वर के प्रजा, यीशु मसीह आपसे बात करते हैं, आपको यीशु मसीह जानते हैं, मैं तेरे कामों को जानता है, हाँ यीशु मसीह आपको जानते हैं, आप कौन सी हालत में है, सिर्फ यीशु मसीह को आप जान लीजिए। इस संसार में आपने जीवन दिया एक ही परमेश्वर है, यीशु मसीह है, इस संसार के लिए इस जगत पर आया यीशु मसीह है, वो आपके कामों को जानते हैं और वो आपको खुले द्वार रखते हैं, आप खुले द्वार को आप उसको लाभ बनाइए, खुले द्वार में आपने आपके काम धंधे कर सकते हैं, उतना नहीं है, आप परमेश्वर को धीरज वचन को थामा जरूरी है और परमेश्वर आपको बचाएंगे, उतना नहीं है, आप ऐसे ही चलते समय में आप विजय पाएंगे, जय पाएंगे। इस संसार में जय पाना अवश्य है, अपना परिवार में कमाई में हमको उदार नहीं रहना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए, हम कमजोरी नहीं रहना चाहिए, कमी नहीं रहना चाहिए, ऐसे ही मिलते समय में हमको जय मिलेगा। यही पवित्र वचन कहते हैं जो जय पाए। इस संसार में कम कमाई रहेगा तभी चलेगा, कम धंधा रहेगा तभी चलेगा, हम किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। पवित्र वचन कहता है तू उधार देगा तू उधार नहीं लेगा, तू बलवंत बना रहेगा तू कमजोर नहीं रहेगा, तो ऐसे हम कम बल रहेंगे तो हम जय पाएंगे। मेरे परमेश्वर के भेजा यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, आपको यीशु मसीह जय बनाएंगे, जय पाए उसको मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। अब ऐसे रहेंगे तो परमेश्वर आपको मंदिर में रखेंगे, पिल्लर बनाएंगे, खंभा बनाएंगे, उस खंभे को कोई नहीं हटा सकता। मंदिर में जो कोई आशीर्वाद है वो आपको मिलेगा, मंदिर में जो कोई कमाई है वो आपको मिलेगा, मंदिर में क्या क्या आशीर्वाद है आपको मिलेगा। परमेश्वर के मंदिर के अंदर आ जाइए, यीशु मसीह आपको बुलाते हैं, यीशु मसीह आपके काम को जानते हैं, आपको खुले द्वार रखे हैं, आप उनकी धीरज के वचन को स्वीकार कीजिए, यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। आपको कोई भी कमजोर रहेंगे तो कमी रहेगी तो हम अभी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के समय परमेश्वर आपको कमजोरी दूर करेंगे, कमी को दूर करेंगे, सिर्फ यीशु मसीह को और सब देखिए, यीशु मसीह आपको काम को जानते हैं। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे काम को जानते हैं, हमारे लिए खुले द्वार रखे हैं, हमको बचाएंगे और हमको विजय बनाएंगे। ये सब वचन सुनने वालों को आशीर्वाद लाने के लिए कृपा कीजिए, हम कौन से हालत में है है, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर सुनने वाले को आशीष कीजिए, आंख को खोल दीजिए, हृदय के खोल दीजिए, विश्वास करने के लिए कृपा कीजिए, खुले द्वार को स्वीकार करने के लिए कृपा कीजिए। परमेश्वर परमेश्वर आशीष कीजिए, कृपा कीजिए, दया कीजिए, आप ऐसे ही कीजिए, हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन।